हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुशल स्वागत करता हूँ आज किस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो देख सकते हैं मैं फिर से कार लेकर निकल चुका हूँ और ये ऑटो वाला बीच रोड पे आ रहा है गाड़ी लेके। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से और साथ में मौसम दिखाता हूँ आपको। मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना कि सोचा आज कार चलते हैं। तब ऐसा बारिश वाला मौसम हो रहा है तो वहाँ पे क्या कार बेनिफिट देख सकता हूँ पूरे आपका आसमान से कार बाहर दिख रहे होंगे तो आप मुझे कार का बेनिफिट मिल जाएगा। सेकेंड चीज, बारिश में कार चलाने का मजा अलग होता है तो इसके लिए मैंने कार निकाल ली है। बाकी यार सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने क्योंकि ऑब्वियसली यार ये पेट्रोल कार है तो पता ही आपको पेट्रोल गाड़ियाँ जनरली जा रही पेट्रोल पीती है एज कम्पेयर डीजल गाड़ियाँ, उनका को बार बार डलवाना पड़ता है पेट्रोल। सबसे पहला काम अपना पेट्रोल डलवाने का ही रहेगा। सो अभी अपन लोग पेट्रोल पंप जा रहे हैं। बाकी मौसम तो आज गारंटी लग रहा है बारिश होगी। एक बार बारिश हो जाए यार पता है मेरे को, पता है बहुत मजा आता है बारिश ड्राइव करने का। एक बार बारिश हो जाए मजा आ जाएगा, मतलब मेरा कार निकालने का पैसा वसूल हो जाएगा बोल सकते हो आप। अदरवाइज जो काम मैं कर रहा हूँ ना वो काम टूरिस्ट से आसानी से हो सकता था, लेकिन मैं कार से निकाला कि यार उसको चलानी होगी बारिश में गाड़ी। यार मेरा मन हो रहा है कि बहुत दिन से गाड़ी चलानी अपन बारिश में, तो आज बारिश गाड़ी चला पाऊँ मैं। बाकी अभी जा रहा हूँ पेट्रोल डलवा के आते हैं, शायद इसके हवा भी चेक करवा लूँगा एक बार, बहुत दिन से हवा भी चेक नहीं करवाई इसके मैंने। तो हवा डलवाने आ गए, 35 की हवा डलवा रहा हूँ मैं देख सकते हो आप। अभी 38 थी इसके अंदर में, हवा ज़्यादा हो गई थी गर्मी के कारण। सो अब पेट्रोल भी डलवा दिया अपन ने, हवा भी डलवा दी। अब जा रहा हूँ दोस्त के घर सबसे पहले मैं, मेरे को दोस्त यार कुछ काम है, उसके बाद अपन अपने काम करने निकलेंगे। मान ले लेते हैं फिर देखते, अगर दोस्त फ्री रहा तो उसको उठा लेंगे साथ में अपने, अदरवाइज अपन चले जाएंगे अकेले खुद से काम करने के लिए। बाकी यहाँ तो हल्का फुल्का जाम तो मिलना ही मिलना है क्रॉसिंग वाला, ज़्यादा बड़ा जाम नहीं, हल्का फुल्का जाम होता है क्रॉसिंग वाला। बाकी देखो कितनी गलती करी बाइक वाले ने, अभी एकदम से पूरी गाड़ी सामने काट दी मेरे। यहीं लोग गलती करते हैं टू व्हीलर वाले, फिर हमको चलाते कार वालों को। सो यार हमारे मित्र जिनका हम इंतजार कर रहे थे देखो छुपते हुए वीडियो के सामने, अरे आजा आजा क्या दिक्कत है, हमसे मिलने आ गए हम। नहीं पहले पैसे दे दो तुम्हारे। अच्छा पैसे इंपॉर्टेंट है कि रिश्तेदार इंपॉर्टेंट है भाई? पैसे। वाह। सो अभी गाड़ी ये चलाएंगे, अभी देखाता हूँ। देखो पहले देख लो आप कितना एवरेज दिखा रही है अब गाड़ी मेरे, 17.5 का ठीक। अब देखना ये 11-12 पे आने वाली गाड़ी, इसकी ड्राइविंग सेंस ऐसी ना कि 11-12 पे गाड़ी लेके ही मानेगा ये। मीनवाइल सो फाइनली सपना पूरा हो गया अपना कार निकालने का, देख सकते हो आप बारिश आ गई है। यही मैं चाहता था, बस फर्क कितना है, गाड़ी अभी ये चला रहा है, गाड़ी मैं चलाऊँ थोड़ी बाद तो मैं बारिश का मजा लूँगा। रात गाड़ी चलाने देती है, बाद में गाड़ी मैं ले लूँगा। बाकी देखो बहुत सी बारिश आ चुकी है, मतलब वाइपर तो फुल पे चल रहे हैं लेकिन देख लो बारिश का माहौल कितना तेज हो रहा है। तो अभी हम लोग बाईपास पे आ चुके हैं, बारिश हल्की से कम हो चुकी है, देखो कितना सही हो रहा है बाहर का वेदर। और ये गाड़ी चला रहा है हमारा दोस्त। ये पता अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी मैं गाड़ी लेके आऊँगा फिर कार मैं नहीं चला पाऊंगा, फिर एक कार ये चला, तो कार हो जाए स्कूटी हो जाए कुछ भी चीज़ों की मेकर के ना, तो मैं इसको बोल रखा गाड़ी का मेरा पहला मालिक है, सेकंड मालिक मैं हूँ गाड़ियों का अपना है, सारी गाड़ियाँ ये चलाएगा हमारी। दादा आराम से, भैया ब्रेक से कमजोर हो, सेकंड से टायर पुराना है, रुकेगी नहीं, सोच के चला गाड़ी। क्या लाइसेंस गाड़ी पापा की ना मेरे भाई, लाइसेंस से क्या फायदा होगा भाई, जब तक रहेंगे जेल में अपन मिलते रहेंगे। नहीं नहीं भाई गाड़ी बचनी चाहिए अपन, जल्द जल्द कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देख सकते हो काफी तेज बारिश हो रही है और फाइनली मैंने गाड़ी छीन ली है मेरे दोस्त से, मैं चला रहा हूँ। माइलेज दिखाई 24.3 का, मतलब पेट्रोल में खतरनाक माइलेज दिखा रही गाड़ी। बाकी बारिश देख सकते हो आप, मतलब विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, सबने स्पीड बहुत ज्यादा कम कर ली अपनी गाड़ियों की। भाई साहब बारिश देखो आप लिटरली खतरनाक हो रही है, मतलब गाड़ियों पर बहुत जोर से आवाज आ रही बारिश की, देख सकते हो आप। सो मैंने उसको उसके घर छोड़ दिया है, अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। बाकी टाइम हो रहा है अभी एक्जैक्ट 7:53, अब मुझे 7:53 को बोलना नहीं आता इसलिए मैंने 7:53 बोल दिया है यहाँ पर। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट आईटी पार्क तक पहुंच चुके हैं, मतलब मजा आया बारिश में ड्राइव करके यार, इसलिए पता है मैं जानबूझ के अपना रूट मैंने बाईपास तरफ रख दिया था। मतलब हाईवे पे ड्राइव करने के बाईपास पे मजा जरूर आता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा समस्या क्या रहती है ना, थोड़ी सा प्रॉब्लम आती है विजिबिलिटी आती है, व्हाइट लाइट होती क्या ना, सपोज होता क्या है ना बेसिकली, इससे बारिश हो जाती है जब तो रोड की जो मिट्टी हट जाती है तो रोड बिल्कुल प्योर ब्लैक हो जाती है, इसके कारण जो व्हाइट लाइट्स होती है खासकर हाईवे के अंदर में वो बिल्कुल मिल जाती है रोड से, इसके कारण आपको विजिबिलिटी कमजोर हो जाती है रात की। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी लेकिन मजा आ गया ओवरऑल गाड़ी चलाने में रात के वक्त में। बाकी अभी मैं आईटी पार्क तक पहुंच चुका हूँ, वो रही आईटी पार्क की बिल्डिंग, और ये देखो सामने इको जा रही है, दिखेगा नहीं कैमरे में, इको में देखो प्रॉपर यूज ऑफ इको चल रहा है। तो जा रहा है कपड़े दे रहता हूँ लॉन्ड्री में मैं, अब उनकी शॉप खुल गई, पहले यहाँ सामने से मैं ना उनकी शॉप बंद थी, अब उनकी शॉप खुल चुकी है, जरा कपड़े दे रहे थे लॉन्ड्री में, फिर निकलते हैं घर की ओर फटाफट। अब ये खड़ी अपनी कार, बारिश में काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, कोई बात नहीं धो लेंगे अच्छे से। सो हम ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले। अरे इनको देखो, इनको देखो कुत्ते के बच्चे, उनको एकदम से रोड भाग कर आ रहे हैं, सारे भाग कर आ रहे हैं, रुक जाते हैं भैया, इनकी जान की खतरा है, जाऊं निकालो गाड़ी। भाई साहब बच्चे अभी एकदम से वो सामने आ गया बिल्कुल,
सो बाकी यहीं तक का था आज का ब्लॉग। पता हुआ कि वहाँ बेसिकली ना एकदम से वो अंकल कुत्ते बच्चे देते कुछ खाने पीने के लिए, वो अंकल को देखा कुत्ते एकदम से भाग गए, कुत्ते के बच्चे वगैरह सर सामने आकर उठ के। चलो कोई बात नहीं, मिलते आपसे अगले ब्लॉग के लिए, बाय।